अब 12वां सवाल, कुछ सवाल सिर्फ बाकी हैं, जल्दी जल्दी। कुर्बानी करना जबकि आदमी मकरूज है, आदमी कर्जे में है फिर भी कुर्बानी कर सकता है क्या? तो देखो, आजकल कर्जे की नौइयत जो है बहुत मुख्तलिफ है। एक आदमी है, उसके दुकान के अंदर 5 लाख का माल है, उसमें से 1 लाख वो कर्जदार है, लेकिन उसके पास 5 लाख का माल रखा हुआ है ना। एक आदमी जमीन खरीदा, अच्छा 20 लाख की जमीन की, 10 लाख कर्जा लिया लेकिन 10 लाख पे किया, वो जमीन उसके नाम से। अब हाँ, कहने को तो उसके नाम पर 10 लाख कर्जा है, लेकिन प्रॉपर्टी पूरी मौजूद है ना उसके पास, वो जब चाहे वो बेच करके 10 लाख वापस कर सकता है नहीं? तो ऐसी नौइयत में बिल्कुल आदमी कर्जा लेकर के वो कर सकता है, मकरूज आदमी है कुर्बानी कर सकता है। और 13वां सवाल ये है कि कर्ज लेकर कुर्बानी करना, एक आदमी मकरूज था फिर कुर्बानी करना कर सकता है जबकि उसके पास इस्तेताअत है वापस लौटाने की। कर्ज लेकर कुर्बानी करना ये भी जब उसके पास इस्तेताअत है कि वो वापस कर सकता है, या चलो अगर उसका कल के दिन इंतकाल भी हो गया तो उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है उसको बेच करके वो पैसे दिए जा सकते हैं, तो आदमी कुर्बानी कर सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा जान लेना जरूरी है कि कर्ज लेकर कुर्बानी करना जबकि आदमी के पास पैसे नहीं है, तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन अगर वो करना चाहे, सवाब हासिल करना चाहे तो बेशक कर सकता है ना। कर्ज लेकर भी आदमी कुर्बानी कर सकता है जबकि ये जानता है कि मेरे पास इस्तेताअत है, मैं बेचकर कुछ भी दे सकता हूँ, अदा कर सकता हूँ, तो कर्ज लेकर भी कुर्बानी किया जा सकता है। इसी तरीके से